अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मेरी तरफ़ से आप सबको 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी टाइम असर का, चूँकि इन दिनों व्लॉग नहीं बन रहे, एक टेंशन बनी हुई थी, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ आगे जाके। और नमाज सबक पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह इफ्तारी की तैयारी करूँगी और वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप सब भी नमाज सबक पढ़े तो मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें, बल्कि सब के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तान के लिए स्पेशल, हालात के लिए स्पेशल दुआ किया करें। तो बस इफ्तारी बनाने के बाद मैं ज़ोया लोगों को लेके बैठती थी दुआ करने, आपके भाई भी आ रहे थे, लेकिन मैं जल्दी इसलिए बैठ जाती हूँ क्योंकि ज़ोया फिर तंग करती है, फिर दुआ मांगनी नहीं होती। साथ फातिमा, ज़ियाउल्लाह, अब्दुल्ला भी दुआ मांग रहे थे। अब्दुल्ला के भी माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे हैं उसने, और आप सब ने अल्लाह पाक बस सबके रोज़े, दुआ, इबादत कबूल फरमाए। जितने भी लोगों की जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक पूरा करे इस मुकद्दस महीने के सदके, आमीन सुब आमीन। आप लोगों ने भी दुआ में याद रखने। बस साथ साथ ज़ैनब वीडियो बना रही थी और ज़ैनब के पेपर भी चल रहे हैं, तो आजकल व्लॉग उस तरह से बन नहीं रहे ना जिस तरह बनने चाहिए। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट डे हो गया है तो इन दिनों में सही से व्लॉग प्रॉपर नहीं बना सकी, जो है कर रही है मेरी तरफ, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो टूट गया था, तो इसलिए फ्रंट कैमरा भी उसका नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करती हैं। देखिए फ्रंट कैमरा इसका पता नहीं ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा ना। एक मिनट, ऊपर वाली ये देखें, फ्रंट पे जब आता है ना तो ऐसे, मतलब ये देखें फिंगर या कुछ इस तरह आ नहीं रहा। ये वीडियो पे भी जाके ऐसा हो जाता है ना, ब्लैंक है बिल्कुल। और इसके अलावा ये इधर से भी, अब मुझे नहीं समझ आ रही ये ठहर कैमरा बंद कर, ये देखिए इस तरह आ जाता है कैमरे में बिल्कुल वाइट। अच्छा, और ये यहाँ से भी ना, ये शायद नज़र आ रहा हो आपको, ये टूट गया सारा। अब मुझे नहीं पता ये ज़ोया ने उठा के फेंका, क्योंकि ज़ोया देखती रहती थी, यूज़ करती रहती थी, या मेरे से कुछ हुआ है या क्या हुआ है, चेकिंग कर, मतलब कि चेक करवाने लेके गए थे, तो उन्होंने कहा इधर से तो ठीक नहीं होता, शहर से ठीक होगा, तो फिर चकवाल से ठीक होगा। अभी आप लोगों ने दुआ करनी है, मुझे नहीं लगता कि अभी एक दफ़ा चीज़ ख़राब हो जाए फिर सही से ठीक नहीं होती। आप लोगों ने दुआ करनी है जल्दी जल्दी ठीक हो जाए मेरा मोबाइल, और ताकि मैं फिर से जो है फ्रंट कैमरे से व्लॉग बना सकूं। ऐसे फ्रंट कैमरा जब नहीं होता तो बनाते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है बंदे को। तो बाकी आज नेक्स्ट डे है, और आज कौन सा रोज़ है, 16वां ना, हाँ आज 16वां रोज़ है। मेरी तरफ से सबको मुबारक हो। कुछ 15वें रोज़े के क्लिप थे और कुछ 16वें के। अभी अंदर जाऊँगी, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, अभी जाना है अंदर और पकौड़े बनाने हैं। शरबत मैंने बना के रख दी है, चटनी बनी हुई थी कल की, और दाल मूंग बनाई है, और बस थोड़ा सा काम रहता है। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर बैठ के अपने मोबाइल को देख लूँ, इंस्टा वगैरह पे जो पोस्ट डाली है वो देख लूँ, उसके बाद नेक्स्ट काम करती हूँ। अभी रहते हैं थोड़ा सा टाइम, 5-6 मिनट, मैंने सोचा साथ साथ तस्बीह कर लूँ, साथ साथ बाहर घूम लूँ। अभी मौसम अच्छा था लेकिन दिन को गर्मी थी, अभी काफ़ी आसमान साफ है। अभी टाइम क्या हो गया, टाइम 6:27 हो गए हैं। आप लोगों ने बताना है आप लोग की साइड पे रोज़ा किस टाइम खुलता है। इधर मेरे ख्याल से अब 6:32 या 6:35 पे खुलता है, पहले 6:25 से स्टार्ट हुआ था या 6:20 से स्टार्ट हुआ था। तो बस आपने दुआ में याद रखना है, अंदर में सारी की चीज़ें रख के आई हुई हूँ, तो चलें अंदर जाते हैं दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हम सब की इबादतें, रोज़े, नमाज़ें, दुआ, हर चीज़, बस मैं कहती हूँ इस महीने के सदके कबूल फरमाए, और हमारे जितने भी गुनाह हैं उनकी बख्शिश हो जाए, और हम एक नए सिरे से अच्छी सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें। सब मुसलमानों के लिए दुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बच्चे बैठते ज़िया को भी मैं बुला रही हूँ अंदर। तो बस ये छोटा सा मोटा सा हमारा व्लॉग था, जितना वो आपने देखना है। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी बहन को डेढ़ 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 सारी दुआ में याद रखना है, प्लीज़ दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।